अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक हाउस में शामिल करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप फायदे से होंगे। और आज हम रिव्यू लेके आए हैं सुपर एशिया का बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा और बहुत ही ठंडा एयर कूलर, जिसका मॉडल नंबर है ECM 500+। मेरे चैनल पे जो है पहले जो है 500 जो है ओनली 500 का सिंपल का रिव्यू डाला हुआ है, और ये जो है 500+ है, और इसके अंदर डिफरेंस क्या है हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारे चैनल पे न्यू आए हैं प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए प्रॉपर रिव्यू स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारे पास जो है ECM 500+ का जो है बॉडी की अगर सबसे पहले बात की जाए, तो बॉडी में बिल्कुल फ्रंट लेफ्ट साइड पर जो है सुपर एशिया का इम्बोज हुआ लोगो आ जाता है, जो कि नाम है, और ECM 500+ जो है कूल स्टार जो है सामने जो है पैनल पे लिखा आ जाता है। हम सबसे पहले जो है इसके डिजाइन की बात करेंगे और इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे, और सुपर एशिया जो है बहुत अच्छा ब्रांड है बिल्ड क्वालिटी में, जो कंप्रोमाइज नहीं करता, और ये बहुत ही प्यारा ब्रांड है और इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी और मजबूत चीज बनाते हैं। और सबसे पहले हम जो है ओवरऑल तमाम बॉडी आपको चेक कराते हैं, कंट्रोल्स आपको बाद में बताएंगे। ये आपको जो है वाटर लेवल की जो है मिल जाता है, जिसके थ्रू आप वाटर लेवल देख सकते हैं कूलर में जो है पानी कितना है। अगर बात की जाए कूलिंग पैड की जो है, तीनों साइडों पे जो है कूलिंग पैड आपको मिल जाते हैं। ये आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं इसके कूलिंग पैड, और आपको बैक साइड पे ले चलता हूँ, ये बैक साइड पे आपको जो है कूलिंग पैड मिल जाते हैं। ये आप देख सकते हैं कूलिंग पैड, जिसका मेन काम होता है, और वारंटी कार्ड एक अदद आपको मिल जाता है और गाइड मैनुअल मिल जाता है। और ये आप नीचे वाली साइड पे अगर बात की जाए, तो इस पानी कैसे डाला जाए, तो ये आपको जो है एक साइड पानी डालने की मिल जाती है, और ये जो है आपको आप फिक्स करके पाइप लगा सकते हैं और टैप के साथ लगा सकते हैं, कभी भी आपको जितना पानी चाहिए आप डाल सकते हैं। और ये आपको जो है राइट साइड पे गेन आपको जो कूलिंग पैड मिल जाता है, और आप आपको जो है 2-पिन स्विच मिलता है। 2-पिन शू जो है बेस्ट रहता है, 3-पिन शू हो तो मसला होता है, कुछ सर्किट में लगता है और कुछ सर्किट में नहीं लगता। और इस जो है कूलर की जो खास बात है, जो इन कूलरों में मुझे बहुत खास बात लगी है, एक्स्ट्रा कूल सिस्टम इसके अंदर है, जो आइस क्यूब बॉक्स मिलता है आपको, और आपको कुछ जो है वार्निंग्स मिल जाते हैं जो एहतियात करें, कुछ एहतियात मैं खुद आपको बता दूंगा आगे चल के आपको। और उसकी बात करें जो जो इस कूलर को सब कूलर से अलहदा करता है, इसके अंदर जो है आइस क्यूब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा मिलता है, और 6 बोतल मिलती हैं, जो स्पेशल लिक्विड जेल होता है जो आप फ्रीज करेंगे और दोबारा इसके अंदर रखेंगे। और ये बोटल्स देख सकते हैं अभी जो है मुझे अभी भी फील हो रहा है ये जो है ठंडी है, ये कम अज़ कम 24 आवर्स हो चुके हैं इस बोतल्स को जो है, ये अभी भी ठंडी है। और ये आप देख सकते हैं 6 बोतल आपको मिलती है, हर रैक में जो है 2-2 बोतल्स हो जाती हैं। ये नोजल है आप देख रही हैं, यहाँ से पानी आता है और यहाँ पर जो है ठंडा होता है, फिर यहाँ से जो है वापस कूलिंग पैड्स में चला जाता है। कूलिंग पैड्स आप देख सकते हैं, सब कूलिंग पैड्स जो है चारों साइड मतलब तीनों साइडों से जो है आपको जो है होल्स मिल जाते हैं, जो ठंडा पानी जो होता है दोबारा कूलिंग पैड्स में चलता है, और ये जो है इस वजह से जो है बहुत ठंडी हवा आपको मिलती है। और मुझे इतना उम्मीद है कि ये आप अगर कूलर परचेज करते हैं तो एसी लेने की जरूरत नहीं है, इतनी ठंडी हवा आपको देगा इस आइस क्यूब की वजह से। अगर कंट्रोल पैनल की बात की जाए, ये सामने जो है आपको ऑन ऑफ और स्पीड फैन की जो है आपको कंट्रोल पैनल मिल जाता है, हाई स्पीड लो स्पीड 2 जो है इसके स्पीड मोड है, और ये आपको मिल जाता है कूलिंग वाला सिस्टम। आप ये कूलिंग वाला सिस्टम ऑन करेंगे तो जो है पानी कूलिंग पैड्स में जाएगा और जो है फिर ठंडी हवा आएगी, और सीरियसली इसकी इतनी ठंडी हवा होती है कभी कभार तो आपको जो है उसका कंबल की भी जरूरत पड़ेगी। और जो है स्विंग वाला आपको जो एक बटन मिल जाता है, इसके थ्रू आप जो है स्विंग राइट टू लेफ्ट जो है आप स्विंग ऑन कर सकते हैं। जितना इस कूलर को ऑफ करके बताया जा सकता था मैंने आपको बता दिए कि क्या क्या इसके फंक्शन है। अब हम इसको जो है ऑन करके दिखाएंगे कि आपको जो है ऑन में जो है कुछ कंट्रोल्स का भी आपको पता लग जाएगा, एयर प्रेशर का भी पता लग जाएगा। सामने हमने शॉपर इसी वजह से लगाया कि जो है आपको एयर प्रेशर का पता लग जाए। सबसे पहले हम इसको ऑन करेंगे और आपको जो है लो स्पीड में आपको जो है चला के दिखाएंगे, आपको पता लगेगा इसका एयर थ्रो जो है काफी है, लो स्पीड में भी जो है इसका एयर थ्रो काफी आप देख सकते हैं, इसकी शॉपर की स्विंग आप देख सकते हैं। अब हम जो है इसको जो है हाई स्पीड पे करेंगे, आप देख सकेंगे कि आपको हाई स्पीड पे कुछ फर्क महसूस होगा, शॉपर की जो स्विंग है वो ज्यादा हो चुकी है और स्पीड भी बहुत तेज हो चुकी है। और ये थे हमारे स्पीड में मूड। और अब आपको जो है दूसरा जो है फंक्शन आपको दिखाता हूँ, ये जो स्विंग का फंक्शन है, क्योंकि इस कूलर में कूल वाला फंक्शन जो है अब आपको वीडियो में तो दिखा नहीं सकता। स्विंग वाला फंक्शन जो है मैंने ऑन किया है, राइट टू लेफ्ट हो रही है मूवमेंट शॉपर की, आप देख सकते हैं मूवमेंट आपको जो है होती हुई नजर आ रही है राइट टू लेफ्ट। और आपको जो है अब मैं कूलिंग वाले सिस्टम के फंक्शन की एक बात बताता चलूं, जो कि मैंने आपको पहले बताया था शुरू में कि एहतियात के बारे में मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। ये कूलिंग वाला सिस्टम जो है बगैर पानी के आप देख सकते हैं, पानी बिल्कुल नहीं मौजूद, बगैर पानी के आपने जो है कूलिंग वाला सिस्टम नहीं चलाना, क्योंकि अगर आप बगैर पानी की जो है इसकी मोटर चलाएंगे, जो कूलिंग वाला सिस्टम है उसकी पंप ऑन करेंगे, तो आपकी जो है मोटर जल जाएगी। और अब आपको जो है हम लास्ट वाले फंक्शन की आपको बताता चलूं, जो इसका अप एंड डाउन जो स्विंग है जो आप मैनुअली आप खुद सेट करेंगे,
मिलेंगे आपको जहाँ एयर की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं शॉपर की मूवमेंट एकदम अप एंड डाउन हो रही है, वो इस वजह से हो रही है कि मैं जो है अप एंड डाउन स्विंग जो है इसका कर रहा हूँ। जहाँ पर आपको जी मुनासिब लगेगा, आप जो है एयर की जो है आपको प्रेशर चाहिए वहाँ पर जो है आप इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये था हमारा रिव्यू सुपर एशिया का एयर कूलर ECM 500 प्लस का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा आपको और कौन सी वीडियो चाहिए। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, फी अमानिल्लाह।